दोस्तों, कल फिल्मी फीवर चैनल पर आपने विवेक अग्निहोत्री जी का इंटरव्यू देखा ही होगा। उसकी लिंक भी मैंने हमारे कम्युनिटी टैब में शेयर की थी। फिल्मी फीवर चैनल के रवि भाई ने हमारे चैनल के बारे में विवेक सर से जो सवाल पूछा, उसके बाद में विवेक सर ने जो भी बातें कही, उनका वो एक एक शब्द सच में मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि इतनी प्रशंसा का मैं हकदार नहीं हूँ, वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने प्रशंसा की। और जब भी मैं प्रशंसा सुनता हूँ ना, तो एक बहुत प्रेशर फील करता हूँ मैं अपने आप पर। ऐसा लगता है जैसे बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन फिर भी विवेक अग्निहोत्री जी और फिल्मी फेयर चैनल के रवि भाई, उनका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज हम क्रिटिक्स माफिया के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका जिक्र विवेक सर ने उनके इंटरव्यू में काफ़ी बार किया। वैसे इन बायस क्रिटिक्स के बारे में हम ऑलरेडी कई सारे हमारे वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, जैसे कि फिल्म सेन आइडियोलॉजी की हमारी जो सीरीज़ है, उसके केवल दो ही एपिसोड्स मैंने अभी तक बनाए हैं। उस सीरीज़ में फिल्म और उनकी आइडियोलॉजी, उनका पॉलिटिकल स्टैंड, और किस प्रकार से कुछ बायस क्रिटिक्स और तथाकथित बुद्धिजीवी इन फिल्म्स को लेकर पक्षपात करके रिव्यूज़ देते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, इन बातों के बारे में काफ़ी चर्चा हमने उन वीडियोज़ में की है। उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखना। लेकिन विवेक सर ने एक नया शब्द हमें दिया अर्बन नक्सल के बाद में, क्रिटिक्स माफिया, और ये शब्द बहुत फेमस होने वाला है, आप देख लेना। मैं बस अब उस दिन की राह देख रहा हूँ जब हमारे देश के ये बायस क्रिटिक्स गले में तख्तियाँ लेकर खड़े हो जाएंगे और उस पर लिखेंगे मी टू क्रिटिक्स माफिया, क्योंकि अर्बन नक्सल के समय भी कुछ लोगों ने इसी प्रकार से तख्तियाँ लेकर वो खड़े हो गए थे, मी टू अर्बन नक्सल, और विवेक सर के जाल में वो बुरी तरीके से फंस गए थे। तो ये क्रिटिक्स माफिया शब्द भी काफ़ी फेमस होने वाला है। दोस्तों, वैसे कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये जो क्रिटिक्स माफिया है या तथाकथित बुद्धिजीवी है या जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, जिन्हें मैं आज तक इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट ही कहता था, इन लोगों ने हमारे देश की एक पूरी की पूरी जनरेशन को बर्बाद कर दिया है, एक पूरी जनरेशन को। और मैं इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें। ये जो अपने आप को बहुत कूल और मॉडर्न समझने वाली आज की नई जनरेशन है, वो इन क्रिटिक्स माफिया के और तथाकथित बुद्धिजीवियों के जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है, पूरी तरीके से फंस चुकी है। ये अपने आप को कूल, मॉडर्न और बहुत लिबरल समझने वाली नई जनरेशन सोचने और समझने की क्षमता ही खो बैठी है। वैसे मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनका इन इंटेलेक्चुअल्स ने ब्रेन वॉश कर दिया है या जिनका ब्रेन वॉश हो चुका है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इन लोगों का इस प्रकार से ब्रेन वॉश हो चुका है कि आज भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाना उन्हें कूल होना लगता है। अपने ही देश को नीचा दिखाना, अपने ही देश का मजाक उड़ाना एक फैशन बन चुका है। लिबरल बनने के नाम पर ये लोग इतने लिबरल बन गए हैं कि अब आतंकवाद को भी जस्टिफाई करने लग गए हैं, भारतीय सेना पर भी रेप का आरोप लगाने लग गए हैं, पाकिस्तान उन्हें मासूम लगने लग गया है और अपने ही देश की सेना पर वो आरोप लगाते हैं, इतने लिबरल ये बन गए हैं। पुलवामा हमले के बाद में हमने देखा भी, अंशुल सक्सेना जी ने ऐसे सैकड़ों तथाकथित कूल ड्यूड्स को पुलिस के हवाले कर दिया। यही लोग हाउस द जैश इस प्रकार के हैशटैग के साथ में जैश ए मोहम्मद का समर्थन कर रहे थे और हमारे देश की सेना का बहुत ही भद्दी तरीके से मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे सैकड़ों लोगों को अंशुल सक्सेना जी की वजह से पकड़ा गया, उनके मेहनत की वजह से ऐसे लोग पकड़े गए। लेकिन आपको क्या लगता है, ये जो कुछ चंद 100-150 लोगों को पकड़ा गया, बस खत्म हो गया? नहीं, इन तथाकथित बुद्धिजीवियों ने हमारे देश की एक पूरी जनरेशन को बर्बाद कर दिया है। आज उन्हें अपने ही देश के खिलाफ उन्होंने खड़ा कर दिया है, उनकी कलम के जरिए, उनके आर्टिकल्स के जरिए, उनके ब्लॉग्स के जरिए, उनके रिव्यूज के जरिए। भले ही आपको बहुत छोटी बात लग रही हो, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। आज हमारे ही देश के लोग अपनी ही सेना के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपनी ही देश का मजाक उड़ाना उन्हें गर्व महसूस होता है, अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने में उन्हें गर्व महसूस होता है। ये कितनी भयानक बात है, आप और हम सोच भी नहीं सकते। आतंकवादी जो पाकिस्तान से आकर यहाँ पर हमला करते हैं, हमारे जवानों पर हमला करते हैं, वो तो हमें दिख रहे हैं, उन पर हमारी सेना सामने से उन पर अटैक करके उनका सामना कर सकती है। लेकिन ये जो अपने ही देश में इन तथाकथित बुद्धिजीवियों ने ऐसे जो नई जनरेशन का ब्रेन वॉश कर दिया है ना, उसका क्या? वो लोग तो हमें दिख भी नहीं रहे। कुछ 100-200 लोगों ने सोशल मीडिया पर पुलवामा हमले के बाद में कुछ पोस्ट कर दी, उनको पकड़ लिया, तो क्या बस इतने ही लोग हैं उनकी पोस्ट को लाइक्स करने वाले, उस पर कमेंट्स करने वाले? अनगिनत लोग हैं ऐसे जिनका इन इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट्स ने ब्रेन वॉश कर दिया है। अभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया या जो कुछ भी ये देश में हो रहा है, इसमें क्रिटिक्स माफिया का एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है, फिल्मों में समाज को बदलने की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, ऐसा कहा जाता है।
जब से फिल्में बनना शुरू हुई है तभी से फिल्म मेकर्स उनके अंदर की जो आग है, उनके अंदर की जो तकलीफ है, उनके जो विचार है या उनका जो एजेंडा है, जो भी आप कहिए, उसे समाज के सामने रखने के लिए, उनके विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए वो फिल्मों का उपयोग करते आए हैं। लेकिन सबसे दुख की बात क्या है पता है? कला और साहित्य के क्षेत्र में हमेशा से ही एक प्रकार की ही लेफ्ट लिबरल आइडियोलॉजी का ही वर्चस्व रहा है। ये सच है, इससे कोई नकार नहीं सकता। कला और साहित्य के क्षेत्र में, और केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, इन लेफ्ट लिबरल्स का ही कला और साहित्य के क्षेत्र में हमेशा से वर्चस्व रहा है। अब देखिए, लिबरल में ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं कोई लिबरल शब्द के खिलाफ नहीं हूँ। ये जो अपने आप को लिबरल कहते हैं ना, ये तथाकथित सो कॉल्ड लिबरल्स है, इन्हें लिबरल शब्द का मतलब ही नहीं पता। लिबरल उदारवादी होते हैं, वो सबके विचारों का, सबके मतों का सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो आज भी दुनिया में जो भी लिबरल है, जो अपने आप को लिबरल बनने का टैग लगाकर घूमते हैं ना, इन्हें लिबरल शब्द का मतलब ही पता नहीं। उनके अंदर इतनी क्षमता भी नहीं होती, इतनी उनके अंदर हिम्मत भी नहीं होती कि वो दूसरों के विचारों को सुन सके। तो इन तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स का ही हमेशा से कला और साहित्य के क्षेत्र में वर्चस्व रहा है। इसीलिए देखिए, आप आज अगर तानाशाही शब्द यूज़ करोगे, तुरंत हमारे सामने हिटलर का चेहरा आ जाता है। हालांकि हिटलर से भी सैकड़ों गुना हत्याएं कम्युनिस्ट शासकों शासकों ने की है, 100 मिलियन हत्याएं, और उसी प्रकार से बहुत तड़पा तड़पा कर बहुत ही क्रूरता से लोगों को मारा है कम्युनिस्ट शासकों ने। लेकिन तानाशाह ये शब्द सुनने के बाद में सबसे पहले हमारे सामने हिटलर ये शब्द ही आता है। इन कम्युनिस्ट शासकों ने जो अत्याचार किए, 100 मिलियन लोगों को तड़पा तड़पा कर इन लोगों ने मारा, उसके बारे में नई जनरेशन को पता तक नहीं है। अब ये नाजीज और कम्युनिस्ट छोड़ दीजिए इनको, हमारे ही देश में जो विंस्टन चर्चिल, जिसने 30 लाख भारतीयों की हत्या की बंगाल फेमिन के समय, उसके बारे में तक हमारे देश के युवाओं को पता नहीं है। और लोग कहते हैं, हमारे देश के ये कूल ड्यूड्स कहते हैं कि भाई ब्रिटिशों की वजह से देश का विकास हुआ, हालांकि जिन्होंने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार से ब्रेन वॉश हो चुका है एक पूरी जनरेशन का। जब भी किसी फिल्म में देशभक्ति की बात की जाती है, देश की बात की जाती है, देश की संस्कृति का सम्मान किया जाता है, तो ये जो पूरी लॉबी है क्रिटिक्स माफिया की, वो लोग तुरंत ऐसे फिल्म्स को बायकॉट करने लग जाते हैं, तुरंत ऐसे फिल्म्स को निगेटिव रिव्यूज़ देने लग जाते हैं। और ये जो नई जनरेशन है, उनके दिमाग में वो फीड करते हैं, भरते हैं कि देखो ऐसे ऐसे शब्दों से आपको इस फिल्म का विरोध करना है। उनको वो रास्ता दिखाते हैं कि भाई देशभक्ति पर फिल्मों का विरोध आपको कैसे करना है। उरी आ जाए तो हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म, परमाणु आ जाए तो ये हॉरर फिल्म जैसी हमें लगी। परमाणु के बारे में तो बहुत सारी बातें कही गई, जंगोइज्म वगैरह। दी गाजी अटैक आ जाए तो अटरली डिसअपॉइंटिंग कहेंगे। मणिकर्णिका और केसरी आ जाए तो उसे फिक्शनल फिल्म कहेंगे, या द ताशकंद फाइल्स आ जाए तो उसे जंक कहेंगे। और जेपी दत्ता जी की एक क्रिटिक का तो विवेक सर ने खुद नाम लिया उनके उस इंटरव्यू में, उस क्रिटिक ने जेपी दत्ता जी की सभी फिल्म्स को चीयर लीडिंग जंगोइज्म कहा। विश्वास नहीं होगा आपको, है ना, सारी बॉर्डर से लेकर के अभी तक की सारी फिल्मों को चीयर लीडिंग जंगोइज्म वर्ड उन्होंने यूज़ किया, जेपी दत्ता जी की सभी फिल्म्स को, पलटन के रिव्यू में। अब वो पलटन उनको पसंद नहीं आई, उतनी वो बढ़िया नहीं थी, उसके बारे में वो कुछ कहते तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जेपी दत्ता जी की सारी फिल्म्स को चीयर लीडिंग जंगोइज्म कहा। यहाँ पर यहीं तक वो नहीं रुके, आगे जाकर उन्होंने कहा कि भाई मुझे आश्चर्य होता है कि जेपी दत्ता जी ने अभी तक उनकी फिल्मों में नेशनल एंथम को बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज़ क्यों नहीं किया, बीजीएम की तरह यूज़ क्यों नहीं किया। इस प्रकार से उन्होंने, मतलब क्या कहा जाए वैसे लोगों के बारे में। और यही नहीं, चाहे विवाह हो या बागवान जैसी फिल्में हो जिनमें देश की संस्कृति का या मॉरल वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाता है, उनका तक विरोध ये लोग करते हैं, वो भी उनको सहन नहीं होता। और आपको क्या लगता है, केवल भारत में हो रहा है? नहीं भाई, नहीं, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। अमेरिका का ही अगर मैं आपको उदाहरण दूँ तो सकारियो डे ऑफ द सोल्डाडो पिछले साल की फिल्म है, जिसमें जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, अवैध घुसपैठी है, उनके खतरे को दिखाया गया है। साथ में ही जो ISIS के आतंकवादी है, उनके खतरे को भी, वो किस प्रकार से सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए अनगिनत लोगों को मार रहे हैं, उस बारे में भी उस फिल्म में बताया गया है। अब आप कहेंगे कि भाई अच्छी तो फिल्म है, क्या गलत बताया है उन्होंने इसमें, है ना। लेकिन वहाँ के भी कुछ क्रिटिक्स ने सकारियो डे ऑफ द सोल्डाडो के बारे में क्या कहा पता है, कि ये ट्रंप सरकार का स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपोगेंडा है। स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपोगेंडा, ये वर्ड है सकारियो डे ऑफ द सोल्डाडो। उस फिल्म मेकर की गलती बस इतनी है कि उसने ISIS के आतंकवादियों को उसमें, उनके क्रूरता को उसमें दिखाया, सुसाइड बॉम्बिंग को दिखाया, इलीगल इमिग्रेंट्स का विरोध किया, तो वहाँ के लिबरल क्रिटिक्स ने उसे स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोपोगेंडा होने का सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसा तो मैंने कई सारी फिल्मों के बारे में पढ़ा, किस प्रकार के रिव्यूज़ दिए जाते हैं। और
इन वेस्टर्न लोगों को अंधे होकर ब्लाइंडली फॉलो करने वाले हमारे यहाँ के क्रिटिक्स, वो भी यहाँ पर यही करते हैं। और ये जो लेफ्ट लिबरल लॉबी है, जो इस प्रकार से बहुत एक्टिव है कला और साहित्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया में, ये लोग दूसरे किसी की आवाज़ को उठने ही नहीं देते। या कोई इस प्रकार से आवाज़ उठाता है उनकी फिल्मों के ज़रिए या किसी किताब के ज़रिए, तो वो लोग दूसरी किसी भी प्रकार की आवाज़ को दबा देते हैं। जिस प्रकार से अभी ताशकंद फाइल्स का ही उदाहरण ले लीजिए, किस प्रकार से हमारे देश की इस क्रिटिक्स माफिया ने ताशकंद फाइल्स का रिव्यू करने से ही मना कर दिया, या कुछ लोगों ने रिव्यू किया तो उसे 0.5 स्टार देकर जंक कह दिया। सभी क्रिटिक्स ने ऐसा ही किया है, लगभग 1 स्टार, 0.5 स्टार इस प्रकार की रेटिंग दी है ताशकंद फाइल्स को। लेकिन देखिए, ऑडियंस ने जवाब दे दिया ऐसे लोगों को। आज उसकी स्क्रीन कलम की स्क्रीन कम कर कर ताशकंद फाइल्स की स्क्रीन बढ़ाई गई है। तो बहुत खुशी की बात है कि दूसरी तरफ की आवाज़ भी थोड़ी ही सही पर आज कुछ समय कुछ मात्रा में ही सही पर सुनाई दे रही है। ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि ऐसे फिल्म्स को सपोर्ट करना। अगर हम ऐसे फिल्म्स को सपोर्ट करेंगे तभी नई जनरेशन बदल पाएगी। ये तो देखिए, एक पूरी जनरेशन को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। दशकों से ये लोग इस प्रकार के रिव्यूज़ देकर, इस प्रकार से पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट कर 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 इन लोगों ने एक पूरी जनरेशन को बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी भी समय है, हम ये बदल सकते हैं। दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं बस इतना ही कहकर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि आप जो भी मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ सामने आइए, अच्छी फिल्मों को, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। और केवल सपोर्ट करने तक ही मत रुकिए, आप खुद मेरी तरह रिव्यूज़ बनाइए, आर्टिकल्स लिखिए, ब्लॉग्स लिखिए। अगर ये नहीं कर सकते तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, चाहे जिस भी ज़रिए, अच्छे विचारों को स्प्रेड करिए। जितनी अच्छाई को हम स्प्रेड करेंगे उतनी ही बुराई अपने आप कम हो जाएगी। सज्जनों की चुप्पी के कारण ही दुर्जन लोगों को, दूसरों को भटकाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये समय चुप रहने का नहीं है। सभ्य भाषा में प्यार से, शांति से अच्छे विचारों को स्प्रेड करिए, अच्छे लोगों का सपोर्ट करिए। इतना ही हमारे हाथ में है। मैं एक बार फिर से विवेक अग्निहोत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, फिल्मी प्योर चैनल के रवि भाई का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, और आप सब मित्रों का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।